हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस व्लॉग को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा मोटिवेट रहें। और ये सुबह का टाइम है, डोसा बैटर बना था, देखिए ये ना बैटर कुछ ज़्यादा ही फूल गया। आई थिंक रात को गर्मी थी तो सारा बाहर आ गया था, और उसके साथ ही दही भी बन गया, और बस वो ना फूल के ज़्यादा बाहर आया था शायद, मुझे लगता है क्वांटिटी ज़्यादा थी, पता नहीं। और आज का दिन ना मेरे से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इतनी के मतलब ना सोचिए कि मुझे कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बच गई। और सुबह की शुरुआत जो खाली पेट, मैं यहाँ पर व्हीट ग्रास का जूस ले कर पीती हूँ, और ये मैंने कपिवा ब्रांड का लिया है, इसमें कोई भी एडेड शुगर बिल्कुल भी नहीं है। और डोसा बैटर बाहर आ गया था, लेकिन ये है कि मेरी किचन साफ़ सुथरी है, उसमें कोई भी कीड़ा, कोई भी कॉकरोच कुछ नहीं होता, तो मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। अदरवाइज मुझे ना थोड़ा थोड़ा मेरे मन में हो गया था यार कीड़ा कूड़ा ही ना कोई घूम रहा हुआ ना, तो मैंने इसको उठाया और सारा जो है वो अंदर कर दिया। बस झाग थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, फिर इसमें हाथ से, इसे ना हाथ की गर्मी, और फिर मुझे याद आया कि जब मैंने इसको रात को फर्मेंट होने के लिए रखा था ना, तो मैंने हाथ बहुत ज़्यादा अंदर घुमाया था। हाथ की गर्मी से डोसा बैटर बहुत ही अच्छा जो है वो फूल के रेडी होता है, तो मैंने इसको एक अलग कंटेनर में निकाल लिया। बस इतना ही है, लेकिन उसमें क्या था, ये फर्मेंट हो गए ना, ज़्यादा ही फूल के बाहर आ गया था। आटा रात को गूँथ के रखा था, तो बस अभी उसे सुबह निकाल के एक बार मुक्की लगा लूँगी। कई बार तो मैं सुबह ही आटा गूँथती हूँ, कई बार शाम को गूँथती हूँ, रूटीन होता है जिस दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास सब कुछ रिटर्न पड़ा होता है, मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो उससे प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाती हैं, किसी भी चीज़ की होच पोच नहीं रहती। दूसरा, मैं सच में बताऊं तो मेरा दिमाग पहले से बहुत कमज़ोर हो गया, जब से मुझे स्ट्रेस डिप्रेशन हुई है बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तो अपनी सुविधा के लिए लिख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप चीज़ें भूलने लगोगे ना, तो वो भी मुझे भूलवानी बोलने लगी है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी की वजह से ना उसकी परवरिश में कोई भी दिक्कत आए, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे लगे कि मैं बाकी बच्चों से इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बीमार है। दैट्स वाई मैं अपने आप को जो कंटिन्यू रखती हूँ। तो आज बनेंगे हृथ्वी के लिए स्टफ परांठे पनीर के, और उसके साथ ही मैंने प्याज को चॉपर में बारीक चॉप करके उसमें नमक डाल के रख दिया है, ताकि प्याज का पानी निकाल दूं। हृथ्वी को पनीर और प्याज की परांठी बहुत ही पसंद है। पनीर की वो सब्ज़ी सूखी बिल्कुल नहीं खाती, उसको मटर पनीर पसंद है, लेकिन पनीर मतलब ग्रेवी वाला हर एक पसंद है, लेकिन घर पे फिर वो ना थोड़ा चटकारे लगा लगा के खाती है, स्कूल में उसको ईजीनेस नहीं लगती, तो पनीर का हमेशा वो परांठा ही प्रेफर करती है कि मम्मा मेरे को परांठी बना दो। तो यहाँ पर लग गई थी मैं, सबसे पहले तो चपातियाँ बनी दोपहर के लिए, और हृथ्वी के नाश्ते के लिए चपातियाँ बनी, उसके बाद ही हृथ्वी के लिए जो है वो परांठी बनेगी। यहाँ फिर ऐसे ही मतलब होता है ना कि दोपहर को जो है काम ख़त्म हो, तो फिर शॉप पे पता नहीं होता किस तरह से आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर गेड़ियाँ लगा के तो बार बार थक जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उसके बाद हृथ्वी के लिए परौंठे बनने शुरू हो गए। और तो किसी ने मुझसे ये पूछा था कि लास्ट किसी व्लॉग में मैंने शायद कोई परौंठा शेयर किया था कि आपके परौंठे फूल कैसे जाते हैं, तो हाँ मेरे भाई फूलते ही हैं, देखिए ऐसे ही फूलते हैं। चाहे मैं आलू कोई भी परौंठा बनाऊँ ना, चाहे चने का भी बनाऊँ, मूली का नहीं कभी फूला आई थिंक, मुझे वो याद नहीं। तो एक साइड मैंने अपने लिए बनाए ज्वार के आटे में, ज्वार के आटे की चपाती बहुत मुश्किल होती है, तो परौंठी कहां से बनेगी। तो पनीर की स्टफिंग थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, तो मैंने बिना तेल का अपने लिए बनाया है। कैसे हैं आप? ब्लॉग थोड़ा सा सुबह भी शूट किया था, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस की मेडिसिन लेती हूँ ना, गलती से मेडिसिन मेरे से ना दो बार ले हो गई। एक बार तो मैंने खाई हुई थी, लेकिन दूसरी बार 10-15 मिनट बाद दोबारा अंदर गई, मुझे लगा कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई है, तो मैंने दोबारा खा ली। उसका एज सच इतना बुरा साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन बॉडी मतलब लथार्जी हो गई, नींद आए जा रही है, और गट सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बाकी तो ठीक है। तो फिर मैं दोपहर को जब आज हृथ्वी को ऊपर लेके आई, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किए, कपड़े धोए, बर्तन धोए, बस कुछ नहीं किया, खाने का भी कुछ नहीं सोचा, रात को देखेंगे। बस अब जा रही हूँ नीचे ज्योति के लिए दूध लेके, और इसको पढ़ना है, बस आज ऐसा ही है तबीयत का ना बैंड बज गया दोबारा, मेडिसिन लेने से दो बार ना काम कुछ नहीं हो पाया, आज बहुत रहता है पता है। बर्तन भी ऐसे धोए जा रही हूँ, बास्केट भी भर गई, रैक भी भर गया, उनको सेट किया ही नहीं है। हृथ्वी आते टाइम पानी की बोतल ले आना, कोई नहीं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट है इसके, इसकी सारी बहुत सारी बुक्स लेके जा रही हूँ, इसको नीचे पढ़ाऊँगी, तो मिलती हूँ आपको।
नोनू देखो किसका फोन आया। कंपनी यहाँ एक साइड टीवी लगा हुआ है जो म्यूट किया हुआ है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, ये मुझे नहीं पता, ये ज्योति के काम है। और हरित भी पढ़ रही है पंजाबी का क्योंकि पेपर आ गए हैं। और ये बेबे को भी मैंने पढ़ने बैठाया था क्योंकि ज्योति को प्लस टू करवानी है अभी, मतलब एडमिशन हो गया, लेकिन उसको फ़ोन आ गया और बाहर जाके बात कर रही है। इस टाइम कस्टमर है नहीं है तो मैं बेली बैठी हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। कभी ऐसा दिन होता है कि कस्टमर बहुत कम होता है और धूप में आता है, शाम को नहीं आता, पता नहीं। और लिपस्टिक मेरी सुबह से लगी हुई है, अब ख़राब हो रही है। और अब मुझे ना थोड़ी सी अपनी तबीयत जो है वो बेटर लग रही है, दवाइयों का नशा उतर गया। तो मैंने डॉक्टर से बात की, ही सेड के आगे से ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना कि डबल डोज ले लो। तो देखती हूँ कुछ करती हूँ, रिटर्न लगाती हूँ कहीं पे। मम्मा, हाँ जी, आज आप फिर से फूल बंदी बन गए। हाँ, मैंने ना दवाई दो बार खा ली आज फिर से, एक बार मैंने आगे भी खाई थी तब पापा यहाँ थे ना जब मैंने आगे खाई थी, तब तो ये जहाँ पे थे इन्होंने मुझे संभाल लिया, तब तो मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी। इस बार इतनी बुरी हालत नहीं हुई, बस तबीयत को थोड़ा सा वो हुआ। तो अभी हरित भी पढ़ रही है, उसका एग्ज़ाम है, लेकिन उसने जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हो गई है। तो मैं इसको लैंग्वेज में थोड़ा ना पकड़ बनवा रही हूँ इसकी, क्योंकि ये जब खराबी करती है ना लैंग्वेज में करती है, हिंदी पंजाबी में, तो वो करवा रही हूँ। और अब आराम से बैठी हूँ, रात को सोच रही हूँ डिनर क्या बनेगा। बहल साहब का फ़ोन आया। ये शाम का टाइम है और इस टाइम पे मैं ऊपर आ गई थी। आज हम लेट आए थे क्योंकि शॉप पे कस्टमर थे और दैट्स वाई हम दोनों लेट हो गए। तो हरित्वी को मैंने एक दिन ना वो भेजे थे आलू की सब्ज़ी, शायद आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, लंच बॉक्स आइडिया शॉर्ट आपको बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने उसमें आलू की सब्ज़ी भेजी थी, उसको चिल्ली बना के थोड़ा सा सॉसेज वगैरह ऐड करके, तो उसको वही चाहिए थी दोबारा से। तो मैंने क्या किया, एक आलू लिया, फिर एक पत्ता गोभी छोटा सा वो लिया, इसमें छोटी सी मैं जो है वो डालूंगी शिमला मिर्च और उसकी उस तरह से सब्ज़ी बना दूंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन ये टेस्टी बहुत होती है। अगर आपका बच्चा सब्जियां खाने में आनाकानी करता है तो आप इस तरह से उसको शुरू शुरू में बना के खिला सकते हैं। लेकिन एक टिप मैं यहाँ पे दूंगी, शॉर्ट्स में नहीं दिए जाते, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो बच्चा कि आपका सिंपल खाना कैसे खा लेता है। देखिए, सिंपल खाना इज़ अ बेस्ट खाना। हम ऊटपटांग चटपटा एक दिन खा सकते हैं, एक टाइम पर खा सकते हैं, डेली नहीं खा सकते। तो यही खाना है जो हम पेट भर के भी खा सकते हैं और डेली खा सकते हैं। इसलिए बच्चे को शुरू से ये आदत डालनी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, थोड़ा सा प्याज, प्याज को भूनना ज्यादा नहीं है, उसमें थोड़ी सी मैं केचप डाल दूंगी, टमाटो केचप, उसके बाद उसमें थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी। जस्ट एक मिनट के लिए हम इन्हें ढक के पकाएंगे और उसके बाद डालूंगी मैं डिजायर्ड नमक, बस इसमें कुछ और नहीं जाएगा। और मिक्स वेज मैंने डाल दी है, इसको हम ढक के पका लेंगे, बहुत जल्दी ये सब्जी रेडी भी हो जाती है। कोई इसमें मसाला नहीं गया है, कुछ नहीं गया है। विनेगर आप खाते हो इस तरह से तो दे सकते हो, मैं जस्ट पनीर टाइम बनाते टाइम ही सिरका डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी भी सब्जी में सिरका बिल्कुल नहीं यूज़ करती, क्योंकि डायरेक्ट सिरका इज़ नॉट गुड फॉर आर टम्मी। पनीर का सिरका ये होता है कि बार बार वॉश करने से सिरके का असर पूरा पानी में से निकल जाता है, थोड़ा बहुत ही रहता है, तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, अदरवाइज सिरका हमारी टम्मी के लिए अच्छा नहीं है। पार्ट हो गया है मेरा और मैं बस अपना जो है फ्रूट और सलाद जो भी है ये मैं ले रही हूँ। और ना आज मेरा भी मन है एक चपाती खाने का, क्योंकि सब्जी बहुत टेस्टी बनी है और दिल कर रहा है कुछ मैं भी खा लूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। और साथ साथ हरित्वी पढ़ रही है, तो हरित्वी अब अपनी, क्योंकि इसके दो पेपर एक साथ हैं, कंप्यूटर और आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रैक्टिस करेगी। और साथ साथ मैं खा लूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, चैन ले लूँगी। सो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी फटाफट से चपातियाँ। आज वो मेरा भी मन था कि मैं एक चपाती खाऊंगी, वैसे तो मैंने अपने लिए फ्रूट वगैरह बनाया था तो मैंने वो खा लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों सब्जी की खुशबू से मुझे दिल कर गया कि मैं भी खाऊंगी। और गरम गरम चपाती देसी घी की ना मुझे और हरित्वी दोनों को बहुत पसंद है। तो इस टाइम पर हरित्वी पढ़ रही थी, साथ साथ मैं उसे भी देख रही थी, साथ साथ अपनी चपातियाँ भी बना रही थी। और गरम गरम देसी घी की चपाती जब मैं घर पर जाती हूँ ना मायके में, तो वहाँ पर मैं बहुत खाना खाती हूँ, तीन तीन चार चार चपातियाँ मैं वहाँ खा जाती हूँ, इसलिए क्योंकि मम्मा ताजी ताजी बना के साथ साथ देती है देसी घी लगा लगा के। और मैं बोलती हूँ मम्मा क्यों नुच्चड़दा नुच्चड़दा दे, मतलब घी ना गिरता हो, ऐसे वाली चपाती मुझे बहुत पसंद है, ऐसी हरित्वी को बहुत पसंद है। तो वो मैं दे रही थी उसको। और इसी के साथ साथ ना मुझे मम्मा याद आ गई कि होता है ना माँ माँ ही होती है, जितने मर्जी बड़े हो जाएं कहीं पे भी चले जाएं, और ये ब्लॉग से उनको पता चलेगा, अदरवाइज़ तो मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे साथ ये कांड हो गया, मैंने अपनी डिप्रेशन की डोज डबल खा ली है, और वो भी वो वाली डोज डबल खाई जो बहुत ही हानिकारक है और सीधा उससे झटका ही लगता है। पर चलो, कहते हैं ना भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस
तबीयत ही बिगड़ी बट सेट रही। आज तो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और बस ऐसे ही है, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। दही दोपहर को बना के गई थी क्योंकि मैं अपनी फ्रिज में ना दही बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती। लस्सी और दही पे हम दोनों जीतते हैं, माँ बेटी। और उसके बाद बस काम हो गए थे, जय बाबा जी हो गई है, बस कपड़े बहुत खिल रहे हुए हैं। और हरित्वी को ये देखिए, हरित्वी इस तरह से पड़ती है उठपटांग। अब भी वॉइस ओवर के साथ साथ मेरे आसपास घूमने जा रही है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक। कल का दिन जो था ना वो बहुत ही लेज़ी था, क्योंकि आपके साथ मैंने शेयर किया था मेरे से गलती से डोज़ जो है वो डबल खा हो गई। तो आज भी थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा तबीयत में सुधार है। आज हरित्वी को छुट्टी है क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है, तो एक दिन छुट्टी एक दिन एग्ज़ाम इस तरह से हो रहा है। तो अभी वो गई है ज्योति के साथ चाय लेने ऊपर, क्योंकि आजकल उसे चाय बनाने का बहुत शौक है। तो मैंने बोला चलो चाय बना लो, उसे पढ़ा रही थी। और मुझे ना दो कमेंट आए थे, मुझे अभी नाम भूल गया, सॉरी। हाँ नाम, एक तो सच्ची में भूल गया। तो मैं आपके साथ वैसे तो एक था कि फाउंडेशन ज्योति रमन जी आई थिंक हैं जिनका था, सॉरी अगर मैं नाम भूल गई, तो थोड़ी तबीयत ऐसे रहती है मेरा दिमाग, ठीक है। तो उनका कमेंट था कि उनको फाउंडेशन के बारे में जानना था कि बेस्ट फाउंडेशंस कौन सी हैं। तो गाइस मेरी मैंने इस पर एक फुल फ्लेज वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, बस आज एक दो दिन में मैं उसको एडिट करके डाल दूंगी। उसमें फाउंडेशन के बारे में पूरी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुनीशा के बारे में एक कमेंट आया था कि सुनीशा इज़ गुड फॉर ऑल टाइप्स। तो देखिए सुनीशा जो है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो फेयर स्किन वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि मैंने उसको 3-4 मेकअप ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया है जहाँ। तो वो स्किन को ग्लोइंग तो बनाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा वाइटनेस देती है। तो अगर आप अंडरटोन में आते हैं, सांवले कलर में आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस तरह से अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि फिर पूरी गर्दन भी लपेटनी पड़ेगी, फेस भी लपेटनी पड़ेगी। मुझे मतलब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स वाई मैं उसको उस तरह से नहीं बता सकती जैसे आप जानना चाहते हो कि सबके लिए सही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, वो शायद उनके लिए सही नहीं होगी। आई एम नॉट श्योर होगी नहीं होगी, ये चीज़ है। एक मुझे ये क्वेश्चन आया था कि हम एलोवेरा जेल जो है वो प्राइमर की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आप वीडियोस देखते हो ना, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी हैं एलोवेरा जेल, ये भी मैं एक वीडियो आपके लिए एलोवेरा जेल की लेके आऊँगी। एलोवेरा जेल लगाने के भी तरीके होते हैं, ब्रांड्स पे डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एलोवेरा अगर आप अकेली स्किन पे लगाते हो ना, तो वो आपकी स्किन को ड्राई करती है, ठीक है। उसमें विटामिन ई होना, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बताऊँ तो आई थिंक वो ये रह गया, एक ही पीस रह गया। ये सर्दियों में इसकी बहुत सेल है, विद द गुडनेस ऑफ विटामिन ई। एलोवेरा जेल होती है जो थोड़ी सी हमारी स्किन को ना ड्राई करती है। आप देखेंगे जब आप घर के प्लांट से भी लगाते हैं ना, उसको भी लगाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, अदरवाइज बेनिफिट मिलने की बजाय बेनिफिट नहीं मिलते, हमारी स्किन को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब आप उसको लगा लेते हो अकेली। एलोवेरा जेल कई औरतों को बड़ा उसमें आता है कि मैं तो एलोवेरा जेल खिसा लेती हूँ, मेरी स्किन उसी से साफ हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इचीनेस फील होती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो एलोवेरा जेल लगाने का भी तरीका होता है, लेकिन प्राइमर प्राइमर है, एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल है, प्राइमर ही लगाएं। थोड़ा कम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बहुत महंगा नहीं लेना चाहते, तो इनसाइड का बहुत अच्छे से आपको आ जाता है। इनसाइड का प्राइमर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इनसाइड का प्राइमर जो हमारे पास है ना, दैट इज़ जेल बेस्ड, ये 240 रुपीज़ इसकी MRP है, लेकिन हम इसको 190 रुपीज़ में सेल करते हैं, और बहुत अच्छा खासा पॉकेट फ्रेंडली ये आपके लिए हो जाता है। और ये हमने कौन सा मेकअप डेली डेली करना होता है, इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है 3-4 साल की आराम से होती है। तो आप इसे ले लीजिए, एक बार पैसे खर्च कर लीजिए, मंथली बजट बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ एलोवेरा जेल प्राइमर की जगह यूज़ ना करें, स्किन में वो बैरियर नहीं बना पाती है उस तरह से। तो अलग से वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँगी, मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। व्लॉग मैंने आप इतना कुछ खास शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना लेजीनेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और ऊपर से एक्स्ट्रा डोज हो गई है। तो 3 दिन की डोज जो है डॉक्टर ने बंद कर दी है कि 3 दिन आपको दवाई नहीं खानी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। और अकेले जान है और सब कुछ मेरे कंधों पे ही है, अब ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊंगी। ऊपर से हरित्वी के एग्ज़ाम आ गए, ऊपर से अगर बच्चा स्कूल में रहता है तो बहुत हेल्प हो जाती है कि आप 2-3 बजे तक बच्चा नहीं आ रहा है तो आप 1 घंटा रेस्ट भी कर सकते हो, आप सो भी सकते हो, है ना। लेकिन अब बच्चा सारा दिन नहीं घर पे है तो वो रेस्ट नहीं हो पाती, उसको पढ़ाना भी है, घर के काम भी देखने हैं, खाना वगैरह सब कुछ देखना है, शॉप भी देखनी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाती है। बट किसी ने पूछा था कि आपको देख के लगता नहीं है आपको इतनी भयंकर बीमारी है, तो यही तो खासियत है, मैं लगने देती ही हूँ, यही तो खासियत होती है। जो यहाँ है ना वो यहाँ पे
नहीं शो करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ जी।